हिंदुस्तान है, ये जो महाद्वीप अपना है, ये इस एशियन इसका नहीं था, ये अफ्रीका से कट के यहाँ पे लगा है। क्यों यहाँ पे मशीनें काम नहीं करती, क्यों दिक्कत आती है, क्यों कष्ट होते हैं, लेकिन जैसा बजट है वैसी मशीन लेंगे। तो यहाँ पे जो दिक्कत आती है, हर जगह पे अलग अलग मट्टी है, क्योंकि ये अफ्रीका से टूट के यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है हिमाचल में, और ऊपर धकेल रहा है धकेल रहा है, तो अभी भी हिमाचल के पहाड़ बन रहे, ठीक है ना। तो इस बात को समझो, मशीन लेने से पहले आपका जो काम है, आपको कहाँ पे काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपका बजट कितना है, इन मुझे ये सब सोचना पड़ता है जब। दोस्तों नमस्ते, जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई, 7 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, 15 दिन से था नहीं, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई अपने लिए रुका है, अपने पे इतना भरोसा रखता है। ये आप सर कहाँ से आए और क्या क्या हुआ आप भी बताएंगे थोड़ा। गुजरात मोरबी से आए। मोरबी से आए, और मैं आपको जब मालूम पड़ा मैं बाहर हूँ, आप निकल गए थे ना, आपने क्या बोला? हाँ, निकल गए थे। आपने बोला मैं बाहर हूँ, इसलिए हम रुक गए छः वापस सात चले दिन गए वापस चले गए, रुक गए। वहाँ पे 70 किलोमीटर आके वापस वापस चले चले गए। गए, वापस चले गए, और मेरे आने की राह देखा हाँ, आपने, 6 दिन रात दी। 6 दिन राह देखा। थैंक यू, धन्यवाद। और एक आ रहे, वो भी लगभग 1-2 हफ्ते से कांटेक्ट में थे, अभी आ रहे, बॉम्बे पहुंच गए हो तो अच्छा लगता है। और अच्छा लगने से अच्छा है, अगर मैंने सही किया है तो ये मेरा रिवॉर्ड है, सही सही आना चाहिए, सही सही काम होता है। बात ऐसी है कि मशीन इनको इन्होंने देखी है समझी है, लेकिन फिर भी आपने फोटो दिखाया है मुझे ना, लेकिन फिर भी आपने मेरे पे छोड़ा है, बराबर है ना। बात ऐसी है कि इनको जो ढूंढना है, जो घूमना है, ऐसे ही हॉबी के जैसे घूमेंगे। हिंदुस्तान है, ये जो महाद्वीप अपना है, ये इस एशियन इसका नहीं था, ये अफ्रीका से कट के यहाँ पे लगा है। क्यों यहाँ पे मशीनें काम नहीं करती, क्यों दिक्कत आती है, क्यों कस्टम, मेरे भी रोते हैं मेरे कोई मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं, मेरे भी रोते हैं, लेकिन जैसा बजट है वैसी मशीन लेंगे। तो यहाँ पे जो दिक्कत आती है, हर जगह पे अलग अलग मट्टी है, क्योंकि ये अफ्रीका से टूट के यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है हिमाचल में, और ऊपर धकेल रहा है तो अभी भी हिमाचल के पहाड़ बन रहे, ठीक है ना। तो इस बात को समझो, मशीन लेने से पहले आपका जो काम है, आपको कहाँ पे काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपका बजट कितना है, इन मुझे ये सब सोचना पड़ता है जब कोई बंदा भरोसा रख के बोलता है कि ये ऐसा ऐसा है, तो मुझे सोचना पड़ता है। फिर भी उसके बाद में मैं 2-3 ऑप्शन रखता हूँ, भाई ये ऐसा ये ऐसा ऐसा आप पे छोड़ता हूँ ना, कि यार ये स्टॉक में पड़ा ये दे दो, ऐसा मैं लगभग नहीं करता हूँ। जो भी सिर्फ सिंगल पीस पड़ा होगा तो कोई कर नहीं सकता कुछ उसको। तो पहले समझो आपकी जरूरत, आपकी अभी कल ही अपने कन्नौज वाले थे, वो भी राह देख रहे हैं, वो तो 1 महीने 20 दिन पहले कुछ फोन किया था, उन्होंने बोला कमेंट कर देंगे वो। तो वहां की जो मट्टी है, मैं पहले बात करता हूँ कि आपके इधर मट्टी, आपका जो टारगेट, उसकी साइज और ऑपरेटर, अभी इनसे बात करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये आदमी क्या कर सकता है, ये आदमी कैसा ऑपरेटिंग कर सकता है, इसको कितना रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने बोला मुझे नोक्टा इम्पैक्ट, बराबर आपने मुझे क्या बोला, ये मशीन नोक्टा इम्पैक्ट करके बोला ना, तो नोक्टा इम्पैक्ट इनके लिए नहीं, नोक्टा इम्पैक्ट प्रो लेवल की ऑपरेटिंग मशीन है, जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर नॉच कर सकते हो, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग इतनी मतलब बड़ी है, उसमें 12 मोड आते हैं, उसमें गेन, डिस्क्रिमिनेशन, थ्रेश, थ्रेश कब चलाना है, उसमें सीओजी मोड कब चलाना है, उसमें नॉच है, आईसेट है, ऑडियो टोन है, ऑडियो ब्रेक है, स्टैटिक मोड है, स्टैटिक डेप्थ है, डेप्थ मोड है, डीप मोड है। तो इसके लिए ये उनके लिए नहीं है, जो इनका टारगेट है, ये कोई कॉइन और इन चीजों के लिए नहीं, वो बड़ा भी ढूंढता है लेकिन उसको सीखने को टाइम लगता है। नोक्टा इम्पैक्ट वाले आधे लोग लाल होते हैं, कुछ ही लोग समझते हैं, जो अच्छा पढ़ा लिखा है समझता है, जो इसका साइंस को समझता है, इस मेथड को समझता है कि हाँ मशीन फॉल्स सिग्नल दे सकती है, दुनिया की हर मशीन फॉल्स सिग्नल देती है, तुरंत लिया गया काम नहीं होता है, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दो दो अगर प्रोफेशनली काम करो तो दो दो तीन तीन मशीनें लेनी पड़ेगी आपको। तो इसके लिए पहले समझो, आपकी जरूरत समझो, आपका बजट बनाओ, रुको, अगर नहीं बजट है तो रुको, सही सही चीज लो, एक बार लेने के बाद आपकी शादी हो गई उसके साथ में, आपको उसको समझना होगा सब कर, जब तलाक होगा तो बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए एक मशीन लेने के बाद कम से कम 6 या साल भर, तो 6 महीना साल भर तो यूज ज्यादा ही करना चाहिए, कम से कम इतना तो यूज होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपको समझना है आपकी जरूरत क्या है और कैसे, अभी इनको पहाड़ में चलना है, कहीं भी चलना, इनको इनको शौक है, इनका इनका पूरा करना है। तो अभी कल रात को निकले आप ना, कल रात को निकले, अभी सुबह सुबह यहाँ पे पहुंच गए, मैं बोला नाश्ता वास्ता करके आ जाओ, क्योंकि मैं भी कल शाम को ही पहुंचा हूँ, और मैं वहां से निकला, आप यहाँ से निकले, बराबर ना, मैं वहां से यहाँ पहुंचा रही, यहाँ से निकले, ठीक है। तो पहले समझो, डायरेक्ट की मत करो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको भी अगर डिटेक्टर खरीदना है तो कॉल करना है, ठीक है, बाय।